हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, आपका स्वागत है और हम खड़े हैं सेक्टर 28D मार्केट में। और सेक्टर 28D के पहचान चंडीगढ़ में यह है कि वहां पे आपको मिल जाएगा ओल्ड पाल ढाबा सिंस 1960। तो हम पहली बार यहां पर आए थे 2007 में, और क्या खाना था, और उसी की याद में हम आज वापस आए हैं सुबह सुबह, क्योंकि हैशटैग रोड ट्रिपिंग विद रॉकी एंड हिस्ट्री टीवी 18 सीजन 1 की खासियत यह है कि मैं सारा दिन मेहनत करता हूं आपको वीडियोस लाने के लिए। अब आपका काम यह है, आपको गेस करना है कि आज शाम को ये गाड़ी कहां जाके रुकेगी और मैं आज शाम कहां बिताऊंगा। तो ये आपका गेस है, अगर आपने सही गेस किया तो कल सुबह आपके नाम अनाउंस होंगे और मैं बजाऊंगा तालियां आपके लिए ऐसे वाली, तो गेस जरूर कीजिएगा। अरे चने भटूरे आ गए, आ जाओ यार, ले आओ ले आओ। खास बात यह है कि सुबह यहाँ पर आपको अर्ली मॉर्निंग चंडीगढ़ में नाश्ता बहुत रेयर है, लेकिन आपको पाल ढाबा पे मिल जाएंगे परौंठे, छोले भटूरे एक्सेट्रा, और 7:59:40 हो गए और मैं जानता हूँ कि मेरे गेस्ट जो है वो बड़े पंक्चुअल होंगे और वो आ गए। हाय सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, हाउ वंडरफुल टू सी यू। आई न्यू यू वुड बी हियर एग्जैक्टली ऑन टाइम, तो मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था ऑलरेडी। थैंक यू, प्लीज सर, प्लीज हैव अ सीट। अगर आप में से कोई ऐसे हो जो इनको ना पहचाने तो मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। जनरल KJS ढिल्लन, ऑल्सो नोन एज टाइनी, यस। सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ और बोलने से पहले, टाइनी नाम कैसे पड़ा आपका? या इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है। जब मैं फोर राजरीफ में गया और पहले कमीशन हो गए सेकंड लेफ्टिनेंट 1983 में, right. उस पलटन की एक ट्रेडिशन है कि ऑफिसर का एक निकनेम रखा जाता है जो पूरी उम्र उसके साथ रहता है। अच्छा। एंड जब रेडियो सेट पे या वायरलेस पे बात करते हैं तो वही कोड वर्ड यूज होता है, राइट। तो वो नाम जो है ऑफिसर की जो लुक है उसके बरखिलाफ रखा जाता है। तो क्योंकि मेरी लुक, एज यू नो, वी आर द सेम लुक, सो मेरा नाम टाइनी ढिल्लन रखा गया। दैट इज अ परफेक्ट नेम, और दुश्मन कभी गेस नहीं करेगा टाइनी आपका नाम है। तो देखिए सर, आजादी के अमृत महोत्सव पे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो चुका है, और मैं चाहता था कि आप लोगों को जनरल ढिल्लन जैसे लोगों से मिलाया जाए ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आए कि देश की सेवा करने में क्या क्या जाता है। लेकिन खास बात यह है कि जनरल टाइनी ढिल्लन जो है ना, ही फॉर मी इज़ द परफेक्ट सोल्जर। तो सर, मैं अगर आपका दुश्मन होता ना, मैं हूँ नहीं, थैंक गॉड, लेकिन अगर होता तो आपको देख के मेरे दिल में बहुत शांति के विचार आते हैं। जस्ट अ लुक इज इनफ। एंड दिस हैज बीन टोल्ड, ये कई बार बोला गया। सर, आपकी एक बहुत फेमस लाइन है, you know which one I'm talking about, kitne gazi aaye kitne gazi gaye. how did that line come? Sir, please, breakfast. Actually, how did that come about? wo kitne gazi aaye kitne gazi gaye ke jab pulwama ka ID blast hua jisme hamare 40 CRPF ke jawan veergati ko prapt hue, uske baad ek press conference thi aur jo pulwama ka jo mastermind tha uska code name tha gazi, okay, aur पाकिस्तानी टेररिस्ट जो है उनका गाजी बड़ा फेवरेट कोड वर्ड है। और इससे पहले भी कई गाजी, क्योंकि मेरे कश्मीर में काफ़ी टेन्योर्स हैं, कई गाजी पहले भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल आया कि साहब वो गाजी मर गया क्या? तो मेरा ये था कि कितने गाजी आए कितने गाजी गए परवाह नहीं, परवाह नहीं। सो दैट्स हाउ इट बिकेम, एंड सम पीपल कनेक्टेड इट के मोहम्मद गजनी भी आया था, ये तब से बात हुई है, लेकिन वो फेमस हुआ। एंड एक चीज़ बताऊँ, मैं किताब लिख रहा हूँ जिसका टाइटल भी यही है, कितने गाजी आए कितने गाजी गए। नो, इट्स फैंटास्टिक सर, और एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए आदमी के अंदर, इस लाइन से वो सब पता चल जाता है कि आपकी थिंकिंग क्या है। बट सर, सो मेनी इयर्स इन द सर्विस, इतने साल आपने देश की सेवा करी, आजकल यंगस्टर्स को क्या कहेंगे आप टू बी एबल टू जॉइन द आर्मी? हाउ वुड यू इनकरेज देम? क्या उनको आप मोटिवेशन देंगे? देखिए, फॉर अ यंगस्टर देश का भविष्य है। और यंगस्टर को मैं दो तीन छोटी छोटी बात बताऊँगा। पहली बात तो यह है कि फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप आज फेल हो गए तो कल को आप सक्सेसफुल नहीं हो गए। मैं फेल हुआ हूँ, मैं अपनी क्लास में फेल हुआ, मैं अपने सब्जेक्ट में फेल हुआ हूँ। आर्मी में भी कई जगह ऐसी आती है जब आपको चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हिम्मत हार के बैठ जाओ। बिल्कुल, फेलियर इज जस्ट अनदर स्टेप फॉर सक्सेस, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज, यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। आप छोटी से छोटी बात से भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ट्रैफिक रूल आप ओबे कर लो, सफाई रख लो घर में, मोहल्ले में सफाई रखो, अपने शहर में सफाई रख लो, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशन बिल्डिंग। मतलब हर चीज़ जो आप सही करेंगे, मेहनत से करेंगे, लगन से करेंगे। मैं भी यही बोलता हूँ, पे योर टैक्सेस, मेहनत करिए, खूब अपने आप को तरक्की करिए, खूब सक्सेस बनाइए और टैक्सेस पे कीजिए, इससे देशभक्ति क्या हो सकती है? फॉर अ सिविलियन, बस देशभक्ति, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, देशभक्ति के आपकी फैमिली, आप खुद
जिन लोगों को शायद मालूम नहीं है, रॉकी बाजी के जो फादर साहब थे मेजर अमरजीत सिंह 72 अमर रेजिमेंट, 6 दिसंबर 1971 को वो जंग में उन्होंने अपने जान का बलिदान दिया था। और जो इनके ताया जी हैं मेजर दलबीर सिंह, तो जी ओ सी 90 थे 1971 की लड़ाई में, उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश, उन्होंने वहाँ का सबसे बड़ा सिलेंडर में से एक सिलेंडर उन्होंने लिया था। तो आपके और उनके माता जी श्रीमती जसजीवन कौर, वो वीर नारीज या वॉर विडोज की एसोसिएशन के हेड रहे हैं, कितने सात आठ साल तो कम से कम। तो इनकी फैमिली का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द आर्म्ड फोर्सेस, टुवर्ड द नेशन, ये एक देशभक्ति का जज्बा जो आपने हमेशा रहता है। और आज भी आपने जब मेरे को बोला कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑल्दो बटूराज आर गुड बट दैट इज द बेस्ट थिंग, नो इट इज एब्सोल्युटली द बेस्ट थिंग। ये हमारे लिए इससे ज्यादा सेलिब्रेशन क्या हो सकती है, देश की सेलिब्रेशन से बड़ी सेलिब्रेशन कोई नहीं होती। बट सर, कमिंग डाउन टू लेस सीरियस सब्जेक्ट्स, हाउ इज द फूड? इट इज वंडरफुल, है ना? पूरा पंजाबी ऑन अ सैटरडे मॉर्निंग हैविंग चना भटूरा, आलू पराठा, पनीर पराठा, प्याज पराठा विद दही, अचार एंड मक्खन। व्हाट एल्स डू यू वांट? दो इससे आगे आप क्या चाहते हो? इसके आगे तो बस सिर्फ स्वर्ग का ही सुख है जो कभी देखा नहीं है, लेकिन जमीन के ऊपर ये स्वर्ग है। तो देखिए, मेरे लिए स्वर्ग ये हो गया कि जनरल डैनी डिलन इज कम एंड सैट विद यू, और हम लोग सुबह सुबह बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। एक खटास बहुत सुंदर इस छोलों में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी भटूरे, एकदम डेलिकेट। अंदर देखिए स्टफिंग है बड़ी प्यारी सी इसकी, कसूरी मेथी डाली गई है, धनिया डाला गया है, हरी मिर्ची है थोड़ी सी, लेकिन ये छोले जो हैं ये बहुत ही खास हैं। पनीर के पीसेस इसके अंदर, और बाल इसीलिए फेमस रहा है। देखिए, एक खाना होता है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और दूसरा होता है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, उसमें तेल वेल की मात्रा देखी नहीं जाती है, यू जस्ट ईट इट। क्यों सर? बट पंजाबी ब्रेकफास्ट टिपिकली, जब आप व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, तो घर पे क्या ब्रेकफास्ट होता था सर? घर पे बेसिकली नानी जी बनाते थे आलू के परांठे, हाँ जी, मूली के परांठे, एंड वो परांठे जो थे, जैसे ये तो सिंगल लेयर परांठा है, वो दो अलग अलग चपाती बनाई जाती थी, राइट, उसके ऊपर फिर आलू और मेथी या प्याज या पनीर, उसकी गोभी, उसकी वो फिलिंग की जाती थी, वो दूसरी रोटी उसके ऊपर चिपकाई जाती थी, और उसको फिर तवे के ऊपर बहुत प्यार से पलटा जाता था, और वो एक पराठा वाज इक्वल टू प्रॉब्ली फोर ऑफ दिस परांठे, बट दिस हैज इट्स ओन टेस्ट। बिल्कुल। तो पंजाब आप आते रहते हैं, ऑफ कोर्स यू लिव इन दिल्ली नाउ, आपकी कोई फेवरेट सिटी पंजाब में और फेवरेट फूड डेस्टिनेशन? देखिए, फॉर अ पंजाबी एंड स्पेशली फॉर अ सिख, फेवरेट सिटी इज सिटी अमृतसर साहब। बिल्कुल। एंड द फेवरेट फूड, इट स्टार्ट्स विद गोल्डन टेंपल का लंगर का खाना, उससे टेस्टी खाना नहीं होता सर, टेस्टी खाना इस दुनिया पे नहीं है। उसके अलावा जो मेरे टेस्टी फूड्स की बात करो, जो फेवरेट, तो कश्मीरी वाजवान, बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत साल कश्मीर में बिताए, वो मेरा फेवरेट है। राजस्थानी फूड, लाल मांस, गट्टे की सब्जी, सांगरी की सब्जी, दाल बाटी, चूरमा, ये मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि मेरे ट्रुप्स राजपूताना राइफल्स के राजस्थान से आते हैं, right. और चूरमा इज ऑल टाइम स्नैक, ऑल टाइम डेजर्ट, एंड ऑफ कोर्स पंजाबी खाना तो अच्छा है ही है। इसके अलावा, क्योंकि फौज में रहकर बहुत से अलग अलग देश में और अपने खुद के भारत में बहुत घूमे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का खाना, साउथ इंडिया का खाना, महाराष्ट्रियन फूड, यूपी का खाना, बिहार, कोई अंत नहीं इंडिया में, कोई अंत नहीं है, और हर जगह का खाना एक अपना एक स्वाद है, अपना एक रुतबा है, अपना एक जज्बा है। तो ये बातें चलती रहेंगी, अभी नाश्ता चलता रहेगा, अभी तो वार्म अप है, अभी तो बहुत कुछ आना है। सर, लस्सी बड़ी फेमस है पंजाब की, और ये मीठी लस्सी मैंने मंगवाई है सुबह सुबह आपके लिए। सो आज़ादी के महोत्सव की सेलिब्रेशन में, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी आज सुबह चंडीगढ़ में। आई एम श्योर आवर ऑडियंस विल लव टू सी यू दिस मॉर्निंग, एंड भगवान करे आप ऐसे और तरक्की करते रहें, आपकी बुक बहुत सक्सेसफुल हो, आप जो भी करें बहुत सक्सेसफुल हो, एंड फ्रॉम ऑल ऑफ इंडिया आई से थैंक यू सर। थैंक यू।